चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी पाकिस्तान जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब करेंगे। मैं जोनल रोहित हलाल कमेटी की फाजिल मेंबरान, औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, महकमा मौसमियात के जिम्मेदारान, नुमाइंदा वफाकी वजारत मजहबी अमूर और बिलखसूस आप हजरात यानी मीडिया नुमाइंदगान का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ रहे और इस चांद को देखने के प्रोसेस का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। दुआ फरमा दें। अभी अभी जो रवायत अभी वैसे जो मैंने टाइम बताया उसके मुताबिक तो नहीं हुई, ठीक है, लाहौर की हद तक मैं बात करूँगी तो, लेकिन अगर जो भी है हम उसको बता दिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व सल्ले मौला करीम। ये माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक जो गुजरा है इसमें तो आपको यहाँ पर बताएं कि शवाल का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। कोहलू और खैबर से चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं, जबकि ये भी बताना है कि चांद नज़र आने का बाकायदा ऐलान मरकजी रोहित हलाल कमेटी करेगी। तो आपको यहाँ पर बताएं कि शवाल का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। कोहलू और खैबर से चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि चांद का जो हतमी ऐलान है नज़र आने का वो रोहित हलाल कमेटी करेगी। इसके साथ साथ जो जोनल कमेटियाँ हैं उनके भी इजलास जारी हैं, साथ में मरकजी रोहित हलाल कमेटी का इजलास भी जारी है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में। और ऐसे में बताया जा रहा है, खबर अब ये सामने आ रही है कि शवाल का चांद नजर आने की जो शहादतें हैं वो मौसूल होना शुरू हो गई हैं।